जय हिंद छात्रों, आप कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम प्रेशर पर, दबाव पर कुछ काम करते हैं, कुछ एक्टिविटी आपके सामने करते हैं। ये दबाव चैप्टर भौतिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और दबाव में बहुत सारा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, तो चलिए उसमें से आज हम एक एक्टिविटी आपको दिखाते हैं। दबाव क्या है, दबाव की परिभाषा क्या है? दबाव किसी क्षेत्र पर एक बल लगता है, क्षेत्र पर बल लगता है, एरिया पर बल लगता है, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दबाव से डिफाइन करते हैं, दबाव से परिभाषित करते हैं। यानी कि दबाव बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो चलिए देखिए, हम एक एक्टिविटी करते हैं। दबाव आपको वायुमंडल का दबाव लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसके अलावा कहीं भी फ्लूड में, फ्लूड के अंदर कहीं भी दबाव लगता है, और जहाँ भी सरफेस है, किसी भी सतह पर अगर बल लग रहा है, तो वहाँ पर दबाव वहाँ पर उत्पन्न होता है। अब चलिए देखा जाए, एक हम गतिविधि आपके सामने करते हैं, और इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। तो एक गिलास में हम पानी लेते हैं, देखिए इसको हम पानी से, पूरा गिलास को हम भर देते हैं पानी से। अब गिलास के ऊपर हम एक कूट का गत्ता यहाँ पर रखते हैं। अब इसको धीरे धीरे हम इसको धीरे धीरे उलटते हैं इस गिलास को। अब देखिए यहाँ पर नीचे हाथ का सपोर्ट है, क्योंकि कागज के ऊपर, इस गत्ते के ऊपर पानी है, पानी का प्रेशर पड़ रहा है इस पर कागज पर। अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से, हाथ को हम धीरे धीरे हटाते हैं। देखा जाए ये गत्ता नहीं गिर रहा है, तो गत्ता का नहीं गिरने का कारण क्या हुआ? यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल दबाव का खेल है या प्रेशर का खेल है। ये गत्ता पर जो हवा का दबाव है, वायुमंडल का दबाव है, वो आपका नीचे से लग रहा है, नीचे से कार्य कर रहा है, ये नीचे से इस तरह से काम कर रहा है इस पर। और इस गत्ते के ऊपर ये इतना जो पानी है, इस पानी का जितना भार होगा, जितना वेट होगा, उतना ही बल लगाएगा उस पर गत्ते पर। और उतना बल और जितना एरिया पर, आप एरिया देख रहे हैं, कितना एरिया इस पर है, तो इस एरिया पर ये जो पानी है, अंदर पानी है ग्लास के अंदर, उस पानी का जो भार है, वह बल इस पर लग रहा है। तो यहाँ पर है क्या कि इस गत्ते पर जो ऊपर से जो दबाव लग रहा है, ऊपर से जो दबाव बन रहा है पानी का, पानी के भार के कारण जो इस गत्ते पर ऊपर से प्रेशर बन रहा है, वह प्रेशर जो नीचे से वायुमंडल का प्रेशर है, इससे कम है। यानी कि नीचे का प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर का प्रेशर कम है, और इसे प्रेशर, नीचे का प्रेशर जब अधिक हो गया, तो इसलिए गत्ता आपका नहीं गिर रहा है। अगर नीचे का प्रेशर कम होता, ऊपर का प्रेशर अधिक होता, तो गत्ता नीचे गिर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वायुमंडल का प्रेशर अधिक यहाँ पर है, नीचे से लग रहा है जो, और पानी का जो दबाव है वह कम है, इसलिए गत्ता नहीं गिर रहा है। तो इस तरह से आप इस प्रयोग को आप स्वयं भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, इस प्रयोग को करके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो चलिए, आप इस गतिविधि को समझ गए होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में ही तक, और फिर हम अगले वीडियो में हम और भी प्रेशर पर और भी हम एक्टिविटी करेंगे, आपको एक्टिविटी हम दिखाएंगे। ये धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, आप कमेंट करें, इसे अपने साथियों के बीच शेयर करें, क्योंकि जब आप इसे शेयर करेंगे तो आपके छात्र साथी जो है वो भी सीखेंगे, वो भी समझेंगे। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको, और भी अच्छा लगे, तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी हम अगला वीडियो बनाएं वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।